एमसीडी हाउस में कल रात भर हंगामा जारी रहा, मारपीट हुई, बोतलें फेंकी गई, खाने की चीजें फेंकी गई। ऐसे में जनता जो विजुअल्स देख रही है उसको देखकर ये चिंता है कि जिन लीडर्स को चुना गया था लोगों की भलाई के लिए, सिविक इश्यूज को सुलझाने के लिए, वो आपस में ही उलझ गए हैं। और जिस तरह की लड़ाई हुई, जिस तरह की हाथापाई तक हुई नेताओं के बीच में, तो उसका क्या कारण था? ऐसे ही हमारे साथ एक काउंसिलर मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के, प्रमोद गुप्ता। सर, आपके साथ भी हाथापाई हुई, विजुअल्स है, हमने देखा, क्या हुआ था अगर आप थोड़ा सा? देखिए, हम मेयर से अपनी बात रख रहे थे तो वहाँ हाथापाई की नौबत आ गई, उनके पार्षद आ गए, धक्का मुक्की हाथापाई चालू कर दी। उसके अंदर एक पार्षद है, आम आदमी पार्टी के पार्षद, उसके अंदर एक पार्षद है देवेंद्र नाम, जिनका मुझे पता लगा है, ग्रीन कलर की लाइनों वाला कुर्ता उन्होंने पहना हुआ, खिचड़ीपुर से पार्षद है। उन्होंने, मैं सीधा सीधा वीडियो में भी आपको देखेंगे, हाथ जोड़ता हुआ जा रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ये सब मत कीजिए, हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लोगों की हमसे आशाएं हैं, हम ये करने नहीं आए। और वो सामने से आके उसने मुझे पहले यहाँ पर हिट किया है, मेरे चोट का निशान है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर मुझे अभी सूजन हो गई है जी, ये मेरे पूरा स्वेलिंग है, ये जो चोट का निशान है उसी की वजह से। और उसके बाद फिर इधर हिट किया है टोटली। वीडियो के अंदर देखेंगे बहुत सारे लोग मोबाइल में वीडियो बना रहे थे, सदन के अंदर भी रिकॉर्डेड होगा। मैं उसके बाद भी हाथ जोड़ता रहा, मैंने कहा सब मत कीजिए, दुनिया के अंदर क्या छवि जाएगी, हम जनता का काम करने के लिए आए भाई, हमारी क्या गलती है, हम लोगों की बात रखना चाहते हैं। वहां पर घेर लिया गया एकदम, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। ये पार्षद है या गली के गुंडे हैं? हमें लाखों लोगों ने चुन के भेजा है। अरविंद केजरीवाल जी, आप अपनी सेना के इन लोगों को समझाइए, ये गुंडे नहीं है, जनता के प्रतिनिधि बनकर आए। तो किसी तरह की कोई पुलिसिया कार्रवाई? मैं पुलिस कंप्लेंट करके आया हूँ अभी, ये पुलिस कंप्लेंट है जो मैंने अभी की है, ये मेयर के ऑफिस में मैंने कंप्लेंट दी है। तो हाँ बिल्कुल, मैंने बिल्कुल नेम के साथ, देवेंद्र के नेम के साथ मैंने की है। FIR आपने करवा दिया? जी। तो क्या मतलब, क्या संदेश जाएगा सर? क्योंकि G20 का साल है, देश भर से अलग अलग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति या अलग अलग देशों के राष्ट्रपति दिल्ली में आएंगे, दिल्ली की सफाई की जिम्मेदारी सिविक बॉडी की होती है, एमसीडी की होती है। जब वो आपस में उलझ जाएंगे, आपस में ही गंदगी करेंगे, मारपीट करेंगे, तो क्या सुरक्षा आम आदमी उम्मीद करेगा? देखिए, मैं लगातार दूसरी बार पार्षद हूँ, मैं 3 बार चेयरमैन रहा हूँ, पहले 2 बार जोन का चेयरमैन रहा हूँ, EDMC में हेल्थ का चेयरमैन आऊं। मेरे व्यवहार के बारे में, मेरे आचरण के बारे में बहुत सारे लोग इस बात का साक्ष्य कर सकते हैं, मैं बहुत सरल और सॉफ्ट तरीके से अपने जीवन में काम करने वाला आदमी। ऐसा माहौल, ऐसे लोग, और ना सिर्फ एक पार्षद देवेंद्र, सभी की ऐसी स्थिति थी, गुंडागर्दी, खुद मेयर दादागिरी करे पूरी रात 24 घंटे, क्या ये ह्यूमन बिहेवियर है? हर एक घंटे बाद मेयर हाउस को एक्सटेंड कर रहे हैं, महिलाएं हैं, हम लोग वहां पर परेशान हैं, खाने के लिए, पानी के लिए, ह्यूमन कॉजेज होते हैं, बहुत ही अमानवीय लोग हैं। दिल्ली का क्या हश्र होगा, मुझे दिल्ली के लिए बहुत चिंता हो रही है, बहुत दुखद घटना है। और चिंता दिल्ली के लिए है, चिंता लोगों के लिए है, चिंता मुद्दों के लिए है। और आपने देखा किस तरह से गाल सूजा हुआ है प्रमोद गुप्ता का, एक तरफ से चोट के निशान है, कंप्लेंट इन्होंने पुलिस की फाइल कर दी है, बट एक आम आदमी कहा जाए, एक आम आदमी किसके पास कंप्लेंट करे जब उनके नेता, जिनको उन्होंने खुद चुना है, वो खुद ही आपस में उलझकर आपस में मारपीट कर रहे हैं।